शनिवार को एक साथ बिहार में 300 केंद्रों पर वैक्सीन का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश IGMS में सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी को वैक्सीन लगवा कर करेंगे इसकी शुरुआत। पटना में बने आर ब्लॉक दीघा 6 लेन का सीएम ने किया उद्घाटन। इस मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकेश्वर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रहे मौजूद। बढ़ते अपराध पर मीडिया के सवालों पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश, कहा 2005 के पहले क्या होता था। अब कहाँ है, पहले क्या होता था, पहले अभी यही होता था, जो आज हो रहा है क्या था, 2005 के पहले क्या था, पहले भी सीएम नीतीश ने लगाई फटकार, डीजीपी की टूटी नींद, मीडिया के लिए अलग से नंबर किया जारी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश, 27 करोड़ की लागत से नवनिर्मित वेणु वन और घोड़ा कटोरा स्थिति पार्क का किया उद्घाटन। बिहार में ठंड का सितम बरकरार, अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में और भी हो सकती है गिरावट, लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। ओरमांझी थाना क्षेत्र से मिली युवती की सिर कटी नग्न लाश, मामले का उद्भेदन करने में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। ये आप भी समझेंगे कि एक तरह का बहुत रेयर और चैलेंजिंग केस था, हमें एक तरह का प्रसन्नता और गर्व है अपना अफसर से। रांची के बरियातू में JMM ने की प्रेस वार्ता, इस दौरान पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने BJP द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी कड़ी निंदा प्रकट की। रांची में BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर की तारीफ। फ्री वैक्सीन भी बहुत सारा देने का काम कर रही है, 16.5 लाख फ्री वैक्सीन भी देने का काम कर रही है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत कम है और इसके लिए आप हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल पर दिया तोहफा, हाईकोर्ट में 1469 विभिन्न पदों पर होंगी नियुक्तियां। पटना में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगी GNM अभ्यर्थी, परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाने से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ है आक्रोश। सहरसा में DM ने समाहरणालय परिसर से परिवार नियोजन के रथ को हरी झंडी दी, इस दौरान DM ने कहा यह रथ लोगों के बीच फैलाएगा जागरूकता। सरायकेला जिले में कोरोना वैक्सीन का प्रथम खेप पहुंचा, बता दें कि 16 जनवरी को करीबन 6,140 लोगों को लगेगा वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक, जय माता डिजिटल मोबाइल दुकान से तकरीबन 1.5 लाख कैश लेकर हुए फरार, वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता, अपहृत लड़के को पुलिस ने किया बरामद, वहीं फरार अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बसिया ग्राम में 2 दिन से लापता 2 नाबालिग लड़कियां, 2 दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने दर्ज किया मुकदमा, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास जिले के धनाव पंचायत के मुखिया माया देवी के साथ गांव के दबंगों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर मुखिया के पति के साथ दबंगों ने की मारपीट, वहीं मुखिया ने उनके खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। सरायकेला में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमेटी के सदस्यों ने की बैठक, कहा हैंडबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। चाईबासा में महिला का अपहरण कर फरार हुए आरोपी ठेकेदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वहीं पुलिस ने अपहरण के मामले में 15 से 20 अन्य ग्रामीणों के खिलाफ भी दर्ज किया मामला। लातेहार जिला के महुआडाड प्रखंड में हिंदू महासभा की बैठक, इस दौरान 5 सालों के कार्यकाल में की गई कार्यों की भी सराहना। सरायकेला खरसावा जिला के तिरुलडीह थाना के शहीद चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, इस दौरान तिरुलडीह थाना में हेलमेट और मास्क लगाने की दी हिदायत। स्किल प्रो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य अधिकारी शुभम कुमार ने की, इस दौरान स्किल प्रो इंडिया के कई लोग भी रहे मौजूद। सरायकेला खरसावा जिला कीचड़गढ़ के कुकड़ू प्रखंड में अखाइन यात्रा मनाया गया, बता दें आदिवासी संस्कृति का यह पर्व है अखाइन यात्रा।